सारे गमा पधानी सा जाए छवि आज की नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला .com। मैं गौरी त्रिवेदी। दर्शकों, आप मेरे साथ बहुत सारी गर्ल्स को, लड़कियों को, कन्याओं को देख रहे होंगे और विचार कर रहे होंगे कि ये कहाँ की क्लास लगी हुई है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि ये भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की लड़कियां हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं आप लोगों को यहां इसलिए ले आई हूं कि हम तुलना करते हैं कि बाकी विश्वविद्यालयों से संस्कृति विश्वविद्यालय का हॉस्टल, यहां का माहौल कैसा होता है, अलग क्या होता है। तो हमने गर्ल से काफ़ी सारी बात भी की है, इनके रियाज और इनकी दिनचर्या की बातें भी की हैं, तो वो भी हम आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे, आप वीडियो में देखने को पाएंगे। बातचीत भी इनसे हम करेंगे। इनकी शुरुआत होती है राग भैरव से, और फिर जैसे 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 समय बढ़ता है, दोपहर हुआ तो उसका अलग राग है, शाम हुई तो उसका अलग राग है, और जैसे ही रात हुई उसका अलग राग है, और मध्य रात्रि का भी इनका राग है। ये चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इवन कपड़े भी धोते हैं तो इनके राग चलते हैं। और इतना ही नहीं, कथक में इनकी अलग प्रैक्टिस चलती है, और हमारे साथ बांसुरी के भी हैं जिनकी अलग रियाज है। तो ये अलग अलग विधाओं के हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति के आगामी पोषक भी बनने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या हैं इनके सपने भारतीय संस्कृति को लेकर। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरगम शर्मा है और मैं BPA सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। जी सरगम, बताइए कि शुरुआत कैसे होती है दिन की? जी तो मेरा सब्जेक्ट जैसे कि वोकल है, तो हम स्टार्टिंग में खर्च का रियाज करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे संगीत के लिए। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि सबका अलग अलग समय होता है, यही खासियत है भारतीय संगीत की। तो स्टार्टिंग हम करेंगे राग भैरव से, जिसमें उसके बोल इस प्रकार हैं। सारे गमा पधानी और इसमें एक छोटी सी बंदिश है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जो मुझे काफ़ी पसंद है, जो मैं ज़्यादातर गाती हूँ। मुनि जन द्वारे दे दुहाई भोर भई जागो रघुराई ग्वाल बाल अरु गैयन जागी पक्षी गण सब सोर मचाई भोर भई जागो रघुराई। वाह सरगम, देखिए सरगम का नाम सरगम है और सरगम है भी सरगम ही, मतलब ये वाकई में इतना खूबसूरत है हमारा देश, और इसीलिए हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। आप बांसुरी से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा वर्मा है। रमा, आपने बांसुरी लिया है, क्या सोच करके आप आई हैं इस फील्ड में?
बांसुरी तो मेरा एक सहायक विषय है, मेरा मेन जो है वो वोकल है, मतलब गायन है। बांसुरी की जिज्ञासा मुझे अपनी दीदी से हुई, दीदी सीखने जाती थी तो उनसे ज़्यादा मैं प्रेरित हुई और फिर बांसुरी मैंने ले लिया और फिर मैं उसका रियाज करती रही धीरे धीरे। और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे एक अच्छे गुरु मिले, पंडित रवि राज शंकर जी, उनके सानिध्य में मैं अपना बांसुरी का जो शिक्षा लेना था वो मैंने शुरुआत की और उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। और अलंकार का मैं सुबह रियाज करती हूँ और जो भी हो सकता है अच्छे से मैं बहुत करने की कोशिश करती हूँ। और आगे क्या करने का सोचा है? बांसुरी तो मेरा बहुत एक इच्छा है, बांसुरी में भी मुझे बहुत आगे जाना है और बांसुरी का एक अच्छा सा गुरु बनना है हमको। Bye.
बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम क्या है मैम आपका? मेरा नाम मोहिनी मिश्रा है और मैं बनारस घराने से हूँ। और बनारस तो वैसे ही जाना जाता है ठुमरी के लिए। जी बिल्कुल, बनारस ठुमरी के लिए जाना जाता है पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की वजह से। और बनारस बहुत सारी चीज़ों के लिए ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी, जिनके सुपुत्र पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी, जिनके अंडर में मैंने सीखा है। और अभी फ़िलहाल में मैं भातखंडे से MPA कर रही हूँ डॉक्टर सृष्टि माथुर मैम के वजह से। जी शुभ नाम अपना? मेरा नाम मोहिनी मिश्रा है। जी जी, अब बताइए कि चूँकि आजकल की युवा पीढ़ी को एक पाथ के लिए जाना जा रहा है कि पाश्चात्य देशों से प्रेरणा लेकर भटकना, तो आपकी सोच भारतीय संस्कृति को लेकर के क्या है? आप इस फील्ड में क्या करना चाहते हो और आपके लिए क्या है आपकी विधा? मैं इस फील्ड में सिर्फ एक चीज़ करना चाहती हूँ, जो आज की जो जनरेशन है वो ये चीज़ से बहुत भूल चुकी है कि जो हमारी जो कला है, बेसिकली जो हम हिंदुस्तानी क्लासिकल जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें वो भूल रही हैं, क्योंकि नए जितनी चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं, जैसे संगीत में हिप हॉप, ऐसे कई सारे ऐसे सॉन्ग्स हो गए, रैप हो गए, उन चीज़ों में क्लासिकल चीज़ें कहीं छुपती जा रही हैं, क्योंकि उस चीज़ों को इतना आकर्षित बना दिया जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से, जैसे कई सारी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, कई सारी चीज़ों का, जो फिर उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो ये चीज़ भूल चुके हैं कि वो जो चीज़ है, जो उसकी धरोहर जो पड़ी है, वो हमारे ही सांस्कृतिक, हमारे ही सभ्यता को लेके पड़ी है। संगीत एक ऐसा विषय है मैम जो आज से नहीं, क्योंकि डॉक्टरेट आप कह लें, इंजीनियरिंग कह लें, लॉ कह लें, वो सब अब बने हैं, लेकिन संगीत एक ऐसा विषय जो ब्रह्मकाल से चला आता है। ये भगवान ब्रह्मा जी की देन है, भगवान शिव ने इसको तांडव के रूप में, आपने जानते हैं आप, तांडव के रूप में करा। संगीत ब्रह्मा जी से नारायण जी तक आया, फिर वो हमारे तक पहुँचा। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे, नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथ लिखे हैं। संगीत एक ऐसा विषय है जो वेदों में भी आप इसको जो है उसमें भी आप उसको शाम वेद में संगीत आया है। तो वेदों में आना का मतलब है कि वो आज से नहीं है, वो ब्रह्म उसको आज ब्रह्मकाल से वो चला आ रहा है, और आज भी उसको हम हर सब्जेक्ट में मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। संगीत एक ऐसा विषय जिसमें आप बहुत छिड़खानी नहीं कर सकते, आपको ज़रा से स्वर ऊपर नीचे हुए और आप दूसरे राग में प्रवेश कर जाते हैं, इसकी ये खूबसूरती है। राग ध्रुपद आप ध्रुपद कर लें, ध्रुपद में एक गंभीरता है, आप धमार कर लें, धमार में एक चंचलता है। तो ये चीज़ें इसलिए, एक धमार में आज भी जब आप गाना गाते हैं तो आज भी राधा कृष्ण की जो वो उनकी बातें हैं, अटखेलियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखने में आती हैं। ऐसे कई सारे राग हैं जो अपने प्रीतम को, एक अपनी जो प्रेमिका है वो बताना चाहती है, एक पत्नी जो अपने पति से कई सारे वर्णन करना चाहती है, भगवान राम की जो मूरत है वो दिखाना चाहती है। जैसे मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक नायकी कानड़ा एक राग है, उसमें एक छोटा ख्याल मैं आपको सुनाऊंगी। बरनी न जाए छवि आज की, बरनी न जाए छवि आज की, मूरत निहारी अजब अनोखी, मूरत निहारी अजब अनोखी, बरनी न जाए छवि आज की, बरनी न जाए। तो राम मंदिर तो अब बना है, ये राग तो बहुत पहले का था कि उनकी मूरत हमें देखने के बाद हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। तो जो हमारी परंपरा से जो रिलेट होके जो चीज़ें बनी है, जो एक ह्यूमैनिटी, जो हमारे अंदर इंसानियत है, राग देश है जिसमें देश के बारे में वर्णन है, राग यमन है जिसमें संध्या के बारे में वर्णन है, राग भैरव है कि इंसान उठते ही मस्ती नहीं करने लगता है, उसको एक शांति चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, तो उसके लिए राग भैरव बना है। तो योगा को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, क्योंकि अब तो संगीत सिर्फ एक विषय नहीं रह गया, वो एक चिकित्सा का भी विषय बन चुका है। पहले संगीत सिर्फ मनोरंजन का भाग होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज की डेट में एक चिकित्सा में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको मेडिटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तानपुरा जो बजता है, जैसे आप अभी पीछे सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में, जो तानपुरा जो बज रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सुकून देता है हमें, एक शांति की हमें वो शांति फील होती है कि अब दिमाग को शांत रखना बहुत, क्योंकि आज के ज़माने में इतनी सारी चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स, इतनी सारी जो विधाएं चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेंशन हैं,
उसमें इंसान अपने आप से नहीं मिल पाता, अपना दिमाग शांत नहीं रख पाता, तो उसमें सिर्फ संगीत ही ऐसा है जो उसको खुद से मिलाता है। संगीत का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम लाइट म्यूज़िक में, बहुत लाइट म्यूज़िक में चले जाएं। आप एक बार क्लासिकल से जुड़ के देखिए, आपको भगवान का आभास हो जाएगा। राग दीप जब तानसेन ने गाया तो दीपक जलने लगे, ईश्वर जब मेघ गाया तो बरसात होने लगी। ये तब की ये विधाएं हैं, ये तब से चली आती हैं। ऐसे ही आप कुछ भी ऐसे करके आप मौसम का जानकारी लेके आप नहीं कर सकते, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो इतने धूप में भी अगर आप एकदम दृढ़ निश्चय के साथ आपने अगर वो राग लेके बैठा है तो वो मौसम बदलने की क्षमता रखता है। वाह भाई, ये देखिए कैसे हमारे संस्कृति की, हमारे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं इनकी खूबसूरती देखिए, मतलब वाकई में आपको ये अलग लगता है। तो मैम मेरा निवेदन है कि आप हमें बांसुरी सुनाएं हमारे दर्शकों को। मैं अभी राग भोपाली ही शुरुआत में सीखी हूँ गुरुजी से, तो मैं आप सभी के समक्ष राग भोपाली प्रस्तुत कर रही हूँ। खूबसूरत है, और पूरी आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं वो यदि तनाव में होंगे तो इन छात्राओं के विभिन्न विधाओं के जो दिलचस्प पहलू हैं वो सुन करके, देख करके, मतलब उनका तनाव गायब हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ की मोस्ट सीनियर, जो गर्ल्स में सबसे सीनियर हैं जैसा कि मुझे चर्चा के दौरान पता चला है, तो उनसे बातचीत करते हैं। हमारी भी चर्चा के दौरान बात हो रही थी मैम कि आजकल देर तक जागना, फिर देर से सोना और सुबह उठना, वो दौर चल रहा है। इस दौरान आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, क्या इसके पीछे क्या संदेश छुपा है जो हमारे दर्शकों को भी देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम।
और ब्रह्म मुहूर्त में जैसा बोला जाता है कि ये ब्रह्मा जी का मुहूर्त होता है, और अगर आप म्यूज़िक को हटा भी दें तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी समय में यदि आप रियाज़ करके अपना नहाना धोना सब कुछ ख़त्म करके फिर आप जो बाकी की दिनचर्या शुरू करते हैं, तो पहली बात तो सब कुछ समय में आ जाता है और आपका समय इधर उधर व्यर्थ नहीं होता है। जो भी काम होते हैं सब एकदम सेट हो जाते हैं कि हाँ इतने इतने टाइम में हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी है। फिर इसके बाद जो पढ़ाई का समय है या जो कुछ भी है, पूरी तरीके से आपका शेड्यूल मेंटेन होता है। और क्योंकि संगीत जो है वो यदि अनुशासन में नहीं है तो आप उसको नहीं सीख सकते हैं, और यदि हम समय से सारी चीज़ें करते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप अनुशासन में आ जाती हैं। और इसी सोच से अगर हम संगीत को सीखें तो ही हम कुछ 1-2% हम उसमें कुछ कल्याण कर पाते हैं अपना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और समय से सोना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं संगीत को लेके, तो जो कि हमें यहाँ सिखाया जाता है। और हाँ, मोटिवेशन की कमी ना हो इस वजह से यहाँ पे 8 बजे हमें नीचे आना होता है और अटेंडेंस लगवानी होती है। ये सब छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो हमें इस प्रोसेस को करने के लिए वो कार्यरत करते रहते हैं, हमें मोटिवेटेड रखते हैं कि हाँ हमें करना है। क्योंकि हमारी जैसे घर में होता है कि पेरेंट्स हैं हमको देख रहे हैं, यहाँ पर अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो हमारी वार्डन मैम है जो हमको देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर नहीं भी आते हैं तो वो प्रॉपर हमको बुलवाते हैं कि अगर मैं नहीं आई हूँ तो मानसी कहाँ है, बुलाओ, ये कोई टाइम नहीं अगर आप लेट कर रहे हैं या कुछ है। तो ये डिसिप्लिन में अगर चीज़ें होती हैं तभी हम संगीत को या किसी भी विधा को सीख पाते हैं। तो यही आगे आपको क्या करना है इस फील्ड में? मुझे एक्चुअली आर्टिस्ट फील्ड में जाना है अगर भगवान की कृपा रही तो, देखते हैं क्या होता है। जी जी जी, चलिए, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारा मनोरंजन भी हुआ, बहुत सारी जानकारी भी मिली जो हमारी संस्कृति के छात्र हैं उनको और नहीं हैं उनको भी मिली। और पूरी आशा है कि आपको ये एपिसोड काफ़ी लुभाएगा, आपका भी मन भाएगा। नमस्कार। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।